नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है? क्या कमोडिटी बाजार में कुछ ऐसी कमोडिटीज बची हैं जहां पर और मुनाफा देखने को मिलेगा, या फिर खरीदारी में रहना है या बिकवाली में, और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह ही नॉन एग्री से करेंगे। तो नॉन एग्री में सोने चांदी में देख रहे हैं कि अपने सपोर्ट लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। सुबह में तो सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1,848 पर था, लेकिन शाम होते होते देख रहे हैं कि इस समय गोल्ड इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $1,852 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी 1% की गिरावट के साथ $21.9 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। तो गोल्ड और गोल्ड में तो देख रहे हैं कि सुबह के मुकाबले $3 की बढ़त है। वहीं सिल्वर 0.01 की गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। तो अब यहां से नॉन एग्री में अब कैसा कारोबार रहेगा, सोने चांदी की चाल क्या रहेगी, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। अमित जी, गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड में देख रहे हैं और सिल्वर में भी कि दोनों ही अपने सपोर्ट लेवल्स पर हैं, लेकिन यहाँ पे कभी $1-2 की गिरावट, कभी $1-2 की बढ़त, ये पिछले हफ्ते से हम ऐसे ही देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को। तो आपको क्या लगता है अब गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस क्या रहेंगे? ये भी आज खबर आई है कि RBI ने भी रेपो रेट बढ़ा दी है, तो अब MCX पर और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें क्या रहेंगी? लेकिन उसका कुछ बाकी बाजारों में डॉलर की पर आते हुए नहीं देखा है। फिलहाल काफी तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा लगता है कि डॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय डॉलर यानी डॉलर इंडेक्स जो है वो पॉसिबिलिटी है करेक्शन की। सिल्वर में जो है सपोर्ट का माहौल बना रहेगा और यहाँ से दोबारा एक उछाल आने की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि पिछले 2 या 3 सेशन से अगर हम देखें तो फिलहाल जैसे आपने बताया कि सपोर्ट से ले रहा है, लेकिन अपसाइड में जो है उछाल आ नहीं रही है। लेकिन फ्राइडे के CPI के पहले एक चाल आते हुए देखी, तो फिलहाल तो मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाइंग प्रेफर करूंगा। यहाँ पर रिवॉर्ड फेवरेबल है, इमीडिएट तौर पे 50,000-400-500 के रीजन में अच्छे सपोर्ट्स हैं गोल्ड में, और ऐसा लगता है कि 51,300-400 तक जाने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं पर चांदी की बात करें तो 61,300-500 के बीच में अच्छे सपोर्ट जोन है, और अपसाइड में लगता है कि 63,200 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। जी अमित जी, क्रूड में भी हमने आज उछाल आता हुआ देखा है। पहले तो $119 पर आज खुला था, अब देख रहे हैं $121-122 की रेंज है। तो आपको क्या लगता है अब यहाँ से क्या क्रूड में अभी और ज्यादा प्राइसेस देखने को मिलेंगे, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है? मेरा मानना है कि क्रूड में और नहीं ऑलरेडी अगर देखा जाए तो M6 पर करीबन 3 महीनों की ऊंचाई पे ट्रेड कर पा रहे हैं। लेवल देखने मिले थे ये मार्च में देखने मिले थे, और उसके बाद 9,400 के लेवल हमने दोबारा देखे हैं। ऐसा लगता है कि इंट्राडे में छोटी मोटी करेक्शन हमें 9,300-270 तक देखने मिलेगी, लेकिन वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अपसाइड में मैं पोजिशनल बेसिस पे समझता हूँ कि 9,725 पर देखने मिलेंगे। तो मैं बाइंग में देख के सलाह देना चाहूंगा, इमीडिएट तौर पर 9,520 का लक्ष्य होगा, लेकिन पोजिशनली लगभग 9,700 का भी लेकर चला जाए। जी अमित जी, नेचुरल गैस में भी देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से लगातार तेजी ही है, $9 के ऊपर सस्टेन हो रखी है नेचुरल गैस। पहले जहां पर हम $8 के ऊपर देखते थे, अब $9 के ऊपर देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस में डिमांड ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से तेजी आई है, और क्या ये जो तेजी है वो ऐसी आगे जारी रहेगी? तो डेफिनेटली समर होता है US में, वहाँ पर कूलिंग डिमांड के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ ही साथ क्योंकि हरिकेन सीजन भी होता है तो वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम एक लीन सीजन में जाते हैं जहाँ पर इंजेक्शन सीजन होता है, तो उसके पहले लेकिन क्योंकि यूसेज बढ़ जाता है तो ये एक इम्पोर्टेंट सीजन है
नेचुरल गैस के लिए विंटर सीजन के अलावा। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि फिलहाल किसकी डिमांड अब भी बरकरार है और हम नई ऊंचाइयां भी आते हुए देख रहे हैं। खास करके टेक्निकली 734 का जो प्रीवियस स्टॉक 26 मई को लगाया था वो क्योंकि वो भी निकल चुका है, तो ऐसा लगता है कि हम लगभग 760 और उसके बाद 785 तक के स्तर भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर भी बाइंग ऑन डिप की सलाह होगी और ये जो व्यू है ये जब तक 710 के नीचे प्राइस नहीं जाती तब तक 707 से 785 के लिए बने रहे। जी अमित जी, बेस मेटल्स में कैसे ट्रेड देखने को मिल सकता है? जी देखिए, फिलहाल बेस मेटल्स में मैं समझता हूँ की कॉपर और एल्यूमिनियम जो है इन दोनों में तेजी का रुख बना रहेगा। एल्यूमिनियम के फंडामेंटल्स फिलहाल स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर उसे बाइंग एमर्ज हो रही है। अपसाइड में मेरा मानना है कि 241 से 242 तक के बीच का जितने मिलेंगे। वहीं कॉपर की अगर बात करूँ तो 790 का एक बेस ऑन करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है और अपसाइड में ऐसा लगता है कि 800 से 802 तक के लेवल भी दिखने सकते हैं। बाइंग की सलाह देना चाहूंगा कॉपर। अमित जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? जी देखिए, नॉन एग्री में मेरा मानना है कि यहाँ से गोल्ड बैंक की जा सकती है। करंट है इसे ₹50,900 के करीब और सप्लस आपका होगा 50,700 के नीचे और टारगेट 51,250 तक हो सकता। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री की, अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की। अमित जी से जानेंगे कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोयाबीन से। अमित जी, यूएस सोयाबीन वायदा तो देख रहे हैं कि सुबह 1740 पर था, अब देख रहे हैं 1746 तक ट्रेड करता नजर आ चुका है। वही घरेलू स्तर पर भी देख रहे हैं कि जो सोयाबीन की रेंज है 6,000 से 7,000 की रेंज है और खाद्य तेलों में भी हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है। तो आपको अब कुल मिलाकर क्या लगता है, सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों के जो बाजार है वो कैसा रहेगा? जी देखिए, जिस तरह से वीकली आउटलुक में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड लगता है, चाहे वो सोयाबीन हो, सब्जी हो या दाल चावल हो। तो वही हमने देखा कि लगभग 1400-1500 के नीचे जाकर रिफाइंड सॉइल जो है फिलहाल तेजी की तरफ रुक कर रहा है, मतलब 100-200 पर है वहाँ से। वहीं पर सोयाबीन भी जो 6-800 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड होता है, मुझे लगता है कि 7,300 से 7,400 के एवरेज लेवल हमें इस महीने में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक बार्गेन हंटिंग या बार्गेन बाइंग दिखाई दे रही है क्योंकि काफी दिनों से या काफी हफ्तों से मैं कहूँगा कंटिन्यूसली प्राइस दिखाई है की वजह से, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि निवेशक जो है दोबारा एंटर कर रहे हैं बाजार में। इनफैक्ट अगर 800 के स्तर के नीचे मुझे जाता है नहीं दिखता और अपसाइड में मैं समझता हूँ कि इस महीने के लिए यानी जून के लिए 7,300 से 7,400 के एवरेज लेवल होंगे, यानी वहाँ से भी करीबन प्राइसिंग इंक्रीज की और तेजी दिखाई दे सकती है। जी अमित जी, कॉटन की बात की जाए तो कॉटन में हमने प्राइसेस को नीचे में 44,000-43,000 तक जाते हुए देखा, लेकिन फिर वहां से प्राइसेस जो हैं वो रिकवर भी हुए थे और 45-46 की रेंज में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जो स्विंग एरिया है इंडिया में भी बढ़ सकता है और इंटरनेशनल में भी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो कॉटन का जो बाजार है आगे इन फ्यूचर कैसा रहेगा? क्या ज़्यादा स्विंग रहने की वजह से कॉटन में यहाँ पर गिरावट आएगी या फिर कहीं ना कहीं जो वेदर है पिछली बार की तरह यहाँ पे कुछ बिगड़ता नजर आएगा जिसकी वजह से कॉटन में यहाँ पे फिर तेजी बन जाएगी? जी मैं समझता हूँ कि अगर करेक्शन हमने 50,200 से देखने की फिलहाल वो आ चुकी है और लगभग 40,000 के नीचे कुछ स्तर भी देखे गए हैं। हालांकि इसके पीछे जो कारण थे, एक तो एक्सेसिव स्पेकुलेशन में थोड़ी बहुत रोक लगाने की कोशिश की गई थी, सेकेंडली एक्सपोर्ट करने के लिए न्यूज आए थे, तो इसके चलते हमने देखा कमी का रिएक्शन ऑनसाइट देखा गया था। अनुमान ये है कि जो पैदावार है वो अच्छी हो सकती है, इसमें अपसाइड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कैप्ड होगा, लेकिन इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक बाइंग का जोन प्राइस को जाता हुआ देखेंगे जो 47,500 के बीच होगी, तो फिलहाल क्योंकि लगभग 2,000 रुपए ऊपर का व्यू है तो यहाँ से मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। हालांकि इस बार जो अपसाइड होगा वो थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है क्योंकि फंडामेंटली एज ऑफ नाउ थोड़ा सा जी अमित जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि कीमतें बीच में 10,000 की भी रेंज में रही थी, 10,900 की रेंज में, और ग्वार सीड जो है वो 5,700 तक नीचे गिरा था। उधर देख रहे हैं कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो तेजी की ओर हैं,
तो ऐसे में आपको क्या लगता है अभी ग्वार कॉम्प्लेक्स का बाजार ये जो नीचे जा रहा है अब वो कैसा रहेगा? क्योंकि ग्वार सीड भी जो है वो 5,900 के नीचे सस्टेन हो रही है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ये जो करेक्शन का दौर है ये जारी रह सकता है और हम उछाल से निकाली देखेंगे। लेकिन इस इंटर ये भी कहना चाहूंगा कि डाउनसाइड जो होगा वो लिमिटेड होगा, यानी 5600 से मुझे ग्वार सीड जाता हुआ नहीं दिखता। वहीं पर ग्वार गम जो है पॉसिबल है कि 10,800 से 10,700 तक जाए, लेकिन वहां पर दोबारा एक बार्गेन हंटिंग हमें दिख नहीं दिखता। हालांकि एक हफ्ते या हम सेशन का आउटलुक ले लें जो वायदा बाजार है वहां पर, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी करीब होगी जिसके बाद जी। अभी जी स्पाइसेस की बात की जाए तो स्पाइसेस में भी हम यही देख रहे हैं कि नरमी वाला रुझान ही देखने को मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक दो हफ्ते से देखने को मिल रहा है, काफ़ी महीनों से स्पाइसेस के अंदर ऐसा ही ट्रेंड हम होते हुए देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब ये जो स्पाइसेस में जो तेजी बनेगी वो कब से एक्सपेक्टेड है? खीरे में अगर हम शुरुआत करें तो कुछ समय और हमें लंबी फेजिस अगर देखनी है तो वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हाई बने थे वो अराउंड अप्रैल में बने थे और हमने लगभग दो महीने साइडवेज का या फ्लक्स का कारोबार देखा, यहाँ पर ब्रॉडली 22,200 के आसपास के बीच जून का महीना साइडवेज रहेगा, और हो सकता है जुलाई से हमें धीरे हम तेजी बनती हुई देखें कि 23,500 से 24,000 के जो हाई हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस बार दिखाई दें। वही बहने में भी काफी सुस्त कारोबार है जो और कुछ समय जारी रहेगा दो हफ्ते तक, लेकिन ओवरऑल रुझान जो है ऊपर की तरफ से मेरा मानना है कि हम 13,000 के ऊपर के स्तर दोबारा देख पाएंगे, तो ये जो है प्रॉमिसिंग काउंटर लग रहे हैं। हालांकि जहाँ पर मैं ज्यादा तेजी नहीं उम्मीद कर रहा हूँ हाल ही में जब तक 8,900 या 9,000 के नीचे तब तक जो भी आएगी वो कैप होगी और डाउनसाइड में हम 7,700 से 7,500 के बीच कर देख पाएंगे। बहुत ही अगर छोटी अवधि की बात करें तो मेरा मानना है कि 7,850 और 8,200 का ही एक दायरा बना रहेगा और अगले दो हफ्ते तक जी। अमित जी इसी के साथ वीट फ्यूचर की बात की जाए तो वीट में क्या लग रहा है आपको वीट, क्योंकि हमने वीट पर काफी सारे फैसले आते हुए देख लिए हैं, तो अब वीट की जो रेंज है एक्चुअल में वो क्या रह सकती है? देखिए मैं समझता हूँ कि करंट लेवल से करीबन 3 से 4 फीसदी फिसलने की पॉसिबिलिटी है, 15% हो सकती है। तो फिलहाल क्योंकि काफी न्यूज में रहा है पिछले दिनों में, इस करेक्शन का दौर मुझे लगता है फिलहाल जारी रहेगा और यहाँ से तो हमें ज्यादा अपसाइड नहीं दिखता जी। अमित जी कैस्टर में क्या लग रहा है, क्या कैस्टर में इस बार जो प्राइसेस हैं वो 8,000 तक की रेंज दिखा सकते हैं, क्योंकि 7,400 से 7,600 की तो रेंज हम अभी भी देख रहे हैं? काफी समय पहले से ही कहा था कि 7,650 और अपसाइड में और 7,400 से 3,000 लोअर साइड में इस दायरे में ही रहेगा, और हम काफी समय बीत चुका है और यही देखा कि 7,650 के ऊपर वीकली क्लोज बेसिस हम सस्टेन होता हुआ नहीं देख रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस का भी कम 7,700 के ऊपर भी जाता है, लेकिन चेक तौर पर इसमें एक करेक्शन का दौर छोड़ कर छू सकते हैं 7,300 के करीब। हाँ लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल गेम की बात करूँ कि रुझान किस तरह से, तो वो ऊपर मुझे ऊपर दिखता है 8,000 से 8,150 के भाव हमें आते हुए दिखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले 7,000 जी। अमित जी एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? जी देखिए मेरा मानना है कि यहाँ से धीरे में शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है और हम लगभग 21,700 से 21,800 तक के स्तर देख पाएंगे, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कैश्यर की बात करूँ तो एक शॉर्ट टर्म गिरावट आते हुए दिख सकती है 7,300 तक, तो लगभग 1.5 से 2 फीसदी के लिए रिकॉल करके चला जा सकता है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आगे जाकर कहां पर किन कम्युनिटीज में कितनी कमाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार ही बनी हुई है मार्केट एमसीवी पर।